नमस्कार, मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था। आज न्यूज क्लिक में मेरा साथ सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज जी हैं। अंजलि जी सरकार में पारदर्शिता, सूचना के अधिकार, ये सारे विषय के ऊपर सामाजिक कार्यकर्ता है। तो अंजलि जी धन्यवाद, आपने न्यूज क्लिक का दर्शक को आपका समय दिया। मेरा पहला सवाल है ये पीएम केयर्स फंड के ऊपर, ये प्रधानमंत्री का जो नागरिक के लिए जो सहायता, राहत या आपातकालीन स्थिति में केयर्स, जो अंग्रेजी में कहते हैं सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशंस, किस तरह से ये गठन किया गया और आपने ये आरटीआई एक्ट, सूचना का अधिकार का जो कानून है, दो हजार पांच का जो कानून है, इसका इस्तेमाल करके आप बहुत सारे सवाल उठाया, मगर प्रधानमंत्री का दफ्तर आपको सूचना नहीं दिया उनका जो फाइल्स है। तो हमारे एक प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि ये सचमुच ये जो पीएम केयर्स फंड, ये जो प्रधानमंत्री का दफ्तर में जो गठन किया गया, ये इसका स्थापन किया गया आपका मार्च महीना में, ये 27 मार्च 2020 में इसका स्थापन किया, तो ये सचमुच एक पब्लिक अथॉरिटी है कि नहीं, यानी कि एक सार्वजनिक प्राधिकरण है कि नहीं, इस विषय के ऊपर आपका क्या राय है? जो पीएम केयर्स फंड बनाया गया है, ये एक स्पष्ट कारण से बनाया गया है। कहा, ये लिखा गया है ऑब्जेक्टिव्स में कि ये डिजास्टर में रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए है, कोविड जैसे डिजास्टर में भी रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए है। तो अब अगर कोई फंड स्थापित किया जाता है जिसमें कि लोगों को रिलीफ दिया जाएगा, उसमें ग्रेट पब्लिक इंटरेस्ट है कि ट्रांसपेरेंसी हो। हम जानते हैं कि हमारे देश में ये दशकों से बात चलती आ रही है कि जब तक लोगों के पास सूचना नहीं होती, तब तक जो पैसे उनके लिए सरकारें या कोई भी मुहैया कराते हैं वो लोगों तक पहुंचती नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि ऐसे किसी भी फंड में पारदर्शिता हो। अब ये फंड का अगर हम कॉम्पोजिशन देखें, जो कि सार्वजनिक भी है, उसमें प्राइम मिनिस्टर जो है, हमारे प्रधानमंत्री, वो एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में चेयरपर्सन है, और साथ ही में 3 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ट्रस्टीज हैं पीएम केयर फंड ट्रस्ट के, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं और फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ये तीनों मिनिस्टर्स जो हैं एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में, पर्सनल कैपेसिटी में नहीं, एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में ये सभी ट्रस्टीज हैं। तो ऐसे में एक जाहिर है कि लोगों को यही लगता है कि जब हमारे बिल्कुल टॉप लेवल के मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री किसी ट्रस्ट के एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में मेंबर्स हैं, चेयर हैं, तो ये तो एक पब्लिक अथॉरिटी होगी ही। साथ ही में ये जो अथॉरिटी है, ये जो फंड है, ये पब्लिक फंड्स भी ले रहे हैं। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट से 2000 करोड़ से ज्यादा रुपया, ऐसा समझ में आ रहा है कि ये फंड के अंदर आया है। तो अब हर तरफ से हम जैसे भी देखें इसे, यही लोगों को समझ में आता है, हमें एज आरटीआई एक्टिविस्ट्स भी समझ में आता है कि ये फंड जो है ये तो सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आना चाहिए। लेकिन सरकार बार बार कह रही है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस बार बार कह रहे हैं कि ये प्राइवेट ट्रस्ट है और ये सूचना के अधिकार कानून के दायरे में नहीं आता, इसलिए हम इसकी सूचना आपको नहीं देंगे। एक मिनट, इसी विषय के ऊपर आप जरा विस्तार से और बताइए, ये पीएम केयर्स फंड जो आप कह रहे हैं, ये कैसे एक निजी ट्रस्ट हो सकता है? हाउ कैन इट बी अ पब्लिक ट्रस्ट? क्योंकि आपने जैसे कहा, इसका जो चेयरपर्सन है प्रधानमंत्री है, इसके जो ट्रस्टीज है, इसमें गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, वित्त मंत्री है। आपका ट्वीट में पढ़ रहा था, उसमें आपने कहा कि कैबिनेट में इस विषय के ऊपर कोई आलोचना नहीं हुई थी, कोई डिस्कशंस नहीं हुई थी, कोई क्रिटिसिज्म। क्योंकि मैं क्यों सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि हमारे देश में और भी ऐसे फंड है। एक तो है प्रधानमंत्री का जो राष्ट्रीय राहत कोष है, जो नेशनल रिलीफ फंड हम कहते हैं, और केंद्र सरकार में राज्य सरकार के अलग अलग
डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है जो आपदा प्रतिक्रिया कोष है। तो सवाल उठ रहे हैं अभी कि एक और फंड का क्या जरूरत है, और इसमें आप जैसे कहा पीएसयूज जो सरकारी संस्थाएं ने करोड़ों रुपया दिया, तो ये मेरा पहला सवाल है। मेरे को मालूम है कि इस विषय के ऊपर एक अदालत में, सबसे उच्च अदालत में, न्यायालय में एक 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 याचिका है इस विषय के ऊपर, एक चर्चा चल रहा है। क्या पीएम केयर्स के फंड का जरूरत था, ये पहला सवाल। और साथ साथ आपने जैसे जवाब दिया, ये तो कैसे आप कह सकते हैं ये एक निजी एक संस्था है? अगर ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास है, तो इसके सारे क्या हो रहे, कितने पैसा आ रहे, कहाँ से आ रहे, कौन दे रहे, ये एकदम सार्वजनिक होना चाहिए। आप जैसे कहा है, पारदर्शिता से सबके सामने ये सूचना मिलना चाहिए। क्या इस फंड की जरूरत थी, वो एक मुद्दा है, लेकिन ये हम जरूर मान सकते हैं जब सरकार कहती है या हमें कहा जाता है कि कोई नया इंस्ट्रूमेंट भी लाना चाहे तो लाया जा सकता है, ये कहा गया है सार्वजनिक रूप से, वो भी ठीक है। पर बात यह है कि क्या ऐसा सा फंड जिसमें कि चेयर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में, जैसे मैंने कहा, और जो हमारे सीनियर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इसके ट्रस्टीज हैं एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में, पब्लिक फंड्स को लिया जा रहा है, इसमें क्या इसमें पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। और जो याचिका आपने बात कही सुप्रीम कोर्ट में थी, वो याचिका तो बहुत स्पष्ट थी, उसमें इसमें ये नहीं बात थी कि ये पब्लिक अथॉरिटी है कि नहीं आरटीआई एक्ट के तहत, इसमें ये था कि क्या एनडीआरएफ में जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है उसमें पीएम केयर्स के पैसे चले जाने चाहिए, तो उस याचिका को डिसमिस किया गया कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में। अभी पारदर्शिता की कोई चर्चा इसके ऊपर स्पष्ट रूप से नहीं हुई है। पर मैं जो बात कह रही थी कि ये बार बार कहा जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कह रहे हैं ये बात कि ये पीएम केयर्स फंड जो है पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए सूचना ये अथॉरिटी नहीं देगी, फंड लोगों को नहीं देगी। अब ऐसे में हमने सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई एप्लीकेशंस लगाई, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि फंड में कितना पैसा आया, कहां से आया, कहां गया ये पैसा, बिकॉज लोगों को ये जानने में इंटरेस्ट है कि जो पीएम केयर्स फंड में 6,000 करोड़ से ज्यादा पैसे आए हैं, ये किधर जा रहे हैं, लोगों के रिलीफ के लिए जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो आरटीआई एप्लीकेशंस हमने लगाई, एक पीएमओ को लगाई हमने आरटीआई एप्लीकेशंस, प्रधानमंत्री के दफ्तर को। और पीएमओ, ये मैं कहना चाहूंगी कि आरटीआई एक्ट में पब्लिक अथॉरिटी है, प्रधानमंत्री के दफ्तर से आरटीआई के तहत सूचना ली जा सकती है। तो हमने वहां पर आरटीआई लगाई ये पूछते हुए कि पीएम केयर से रिलेटेड जो भी उनके पास फाइल्स है, जानकारी है, वो हमें मुहैया करा दे, वो हमें शेयर कर दे। अब प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने हमें ये कहा कि क्योंकि पीएम केयर फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, हम ये सूचना आपको नहीं देंगे। ये बिल्कुल ही वायलेशन है आरटीआई एक्ट का, क्योंकि कोई भी, हमने आरटीआई पीएम केयर्स में नहीं लगाई, हमने तो आरटीआई पीएमओ में लगाई, जो कि आरटीआई एक्ट के तहत पब्लिक अथॉरिटी है। उनका काम है कि जो उनके पास फाइल्स है वो हमें दे आरटीआई में, और उन्हें डिनाई कर दिया गया। पर जो हमने आरटीआई लगाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, वो बहुत इंटरेस्टिंग थी आरटीआई। उसमें आपको एक मिनट के लिए रोक रहा हूं, आप बहुत सख्त शब्द से आपने टिप्पणी किया कि क्यों ये पीएम केयर्स फंड एक तरह से सूचना का अधिकार का जो कानून है इसमें आना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक अथॉरिटी है, सार्वजनिक एक प्राधिकरण है। आपने अभी कंपनीज एक्ट मंत्रालय के बारे में कहा, जैसे पहले हमने कहा पीएम केयर्स का ये फंड, इसका स्थापन किया गया 27 मार्च, 26 मई यानी कि 2 महीना बाद कंपनीज एक्ट, कंपनीज के जो कानून है ये, इसके ऊपर आपने एक संशोधन किया, यू अमेंडेड इट, और ये भी रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि पूर्व व्यापी
आपने एक संशोधन किया और आपने क्या कहा कि सारे जो कॉर्पोरेट्स है उसका जो CSR मनी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी का जो पैसा पीएम केयर्स में वो दे सकते हैं, तो ये दो महीना में जो पैसा आए है पीएम केयर्स फंड में, ये कानूनी तरह से आया नहीं आया, यही मेरा सवाल है। जी देखिए, ऐसा है कि ये सार्वजनिक था कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला, एक ऑर्डर निकाला, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फंड में सीएसआर का पैसा जा सकता है, और ये सार्वजनिक था बात। लेकिन हम ये जानना चाहते थे कि किस तरीके से इसको जस्टिफाई किया गया, और उसके लिए आरटीआई एप्लीकेशंस लगाई गई। आरटीआई एप्लीकेशंस में ये स्पष्ट रूप से सामने आई हैं जो सारे के सारे क्लैरिफिकेशंस, जो डिस्कशंस हुए मिनिस्ट्री के अंदर, उसमें ये निकल के आया है कि मिनिस्ट्री ये मानती है कि पीएम केयर्स फंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किया, और क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किया ये फंड, इसलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो कंपनीज एक्ट का जो प्रावधान है वो ये कहता है कि कोई भी फंड या कोई भी संस्था जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करे उसमें सीएसआर का मनी जा सकता है। तो उन्होंने जस्टिफिकेशन यही लिखी कि क्योंकि पीएम केयर्स फंड सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित है, इसलिए उसके अंदर सीएसआर का पैसा जा सकता है, पीएसयूज भी दे सकते हैं, पब्लिक कंपनियां भी दे सकती हैं और प्राइवेट कंपनियां भी दे सकती हैं। जब पैसे लेने के लिए, सीएसआर के पैसे लेने के लिए सरकार ये कह रही है कि ये स्थापना जो फंड है, पीएम केयर्स फंड की स्थापना जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी है, तो फिर सूचना के अधिकार के तहत सूचना देते वक्त सरकार ये कैसे कह सकती है कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है? जबकि अगर हम सूचना के अधिकार कानून में पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन देखें, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोई भी संस्था अगर किसी सरकार ने बनाई है तो वो पब्लिक अथॉरिटी है। तो मतलब देखिए, सीधी बात सामने आ रही है, ये तो एक तरह से धोखलापन है। जब पैसे लेने की बात है पीएम केयर्स फंड के अंदर, तो सरकार कह रही है कि ये फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किया है, इसलिए इसमें सीएसआर के पैसे आ सकते हैं। पर जब लोग सूचना मांग रहे हैं तो सरकार कहती है कि ये जो फंड है ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए हम सूचना नहीं देंगे। तो ये दोनों चीजें जो है इसमें तो विरोधाभास है। अब अगर आपने जो अमेंडमेंट की बात करी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है, क्योंकि दो महीने तक सरकार ने जो सीएसआर के फंड्स हैं वो पीएम केयर्स में डालने के लिए अनुमति दी, ये कहकर कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई फंड है। लेकिन दो महीने के बाद ऐसा क्या होता है कि सरकार को ये कहना पड़ता है कि हम अपना ही एक्ट जो चेंज कर लेंगे, शेड्यूल जो है एक्ट का, और उसमें ये अलग से कहेंगे कि पीएम केयर्स में आप पैसा डाल दीजिए क्योंकि हमने अमेंड कर दिया लॉ को। तो इससे तो यही समझ में आ रहा है, क्योंकि लोगों ने सूचना के अधिकार में एप्लीकेशंस डालनी शुरू करी, सूचना मांगनी शुरू करी, तो सरकार को ये लगा कि वो ये अमेंडमेंट ले आए जिससे कि वो कह सके कि पीएम केयर्स फंड जो है वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है आरटीआई के तहत, और सीएसआर से फंडिंग जो आएगी वो रेट्रोस्पेक्टिवली उन्होंने इफेक्ट के साथ में ये कह दिया कि ये तो इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि हमने अलग से पीएम केयर्स का नाम डाल दिया है शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट के तहत। तो ये जो तमाम एक तरह से गड़बड़ियां हैं ये सामने आ रही है सूचना के अधिकार में, जो एप्लीकेशन डाली उसके रिस्पांस में, कि पहले 28 मार्च को सीएसआर के पैसे पीएम केयर्स में लेने के लिए सरकार कहती है कि
आप डाल सकते हैं, कंपनियों को कहती है आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये फंड जो है ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया फंड है। लेकिन जब आरटीआई एप्लीकेशंस आने लगती हैं, सरकार ये कहना चाहती है कि हम सूचना नहीं देना चाहते, तो सरकार 2 महीने बाद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कानून को बदलती है और कहती है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत बनाया गया है इसलिए नहीं, लेकिन हम अलग से ही आपको कह रहे हैं कि आप पीएम केयर्स में पैसा दे सकते हैं। बहुत ही आश्चर्य बात है, बहुत ही आश्चर्य बात है कि पहले आप फंड स्थापन करते हैं, पहले आप लोगों को सूचना देते हैं कि आप पैसे दे सकते हैं सीएसआर पैसा, और फिर 2 महीना के बाद पूरा कानून को आपने एक तरह से पूर्वव्यापी आप संशोधन करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली यू अमेंड द लॉ। अंजलि जी, ये जो पैसा आया है पीएम केयर्स फंड में, इसका खर्चा कैसे हुआ? इस विषय के ऊपर आप भी ट्वीट किया, अलग अलग वेबसाइट में, अखबार में भी आपका साक्षात्कार हुई है, हिंदू में, वायर में। आप कह रहे हैं कि पीएम केयर्स का जो वेबसाइट है इसमें दिखा रहे हैं कि 2000 करोड़ अलग रखा है, 50,000 वेंटिलेटर खरीदने के लिए, और ये जरूरी है बहुत जो कोविड के मरीज हैं इन लोग के लिए। आपने कहा जे आपने जो आरटीआई का जो रिस्पॉन्सेज आ सूचना का अधिकार का कानून के से आपका जो सूचना मिला, वो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने कहा कि 6 कंपनी इनको हमने इन लोग से हम ये वेंटिलेटर खरीद लेंगे, मगर इसमें सिर्फ 3 कंपनी को बोला बाद में कि आप एलिजिबल हैं, आप आपसे हम खरीद सकते हैं, क्योंकि बाकी जो 3 कंपनियां हैं इसका क्लिनिकल इवैल्यूएशन ठीक, क्लिनिकल इवैल्यूएशन में कहा हम नहीं ले सकते, यानी कि जो नैदानी जो मूल्यांकन है उसमें कहा कि हाँ ये 3 कंपनी से हम नहीं ले सकते। जो 3 कंपनी जो आप ले सकते हैं वो एक है सरकारी संस्था है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एक है हिंदुस्तान लाइफ केयर लिमिटेड, एक अग्वा हेल्थ केयर, और बाकी कंपनियां जैसे AMTZ बेसिक, AMTZ हाई एंड, ज्योति ऑटोमेशन, ये कंपनी बोला आप यू आर नॉट क्वालिफाइड, आपको अनुमति नहीं है। तो ये भी आपने सूचना से सूचना का अधिकार, यानी कि आपने कहा 20,000 करोड़ 50,000 आपने वेंटिलेटर खरीद लेंगे, मगर आपने इतना नहीं खरीद पाया। आपने जो खरीदा, मेरा ख्याल है आपने जैसे कहा 19,000 के कम, 18,000 से ऊपर। इस विषय के ऊपर आप जरा आपका जो सूचना, आपको सूचना का अधिकार का जो कानून के माध्यम से आपने जो सूचना मिला, इसके बारे में आप कहिए। जी देखिए, पहली बात जो मैं कहना चाहूंगी परंजोय जी, कि ये जो सारी सूचना है कि पैसा खर्च कैसे हो रहा है, ये सारी सूचना तो खुद ब खुद लोगों तक सरकार को, पीएम केयर्स ट्रस्ट को, फंड को पहुंचानी चाहिए है, क्योंकि अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट में ये सब काम कर रहे हैं तो छुपाने की क्या बात है। सरकार बताए और पीएम केयर्स फंड बताए कि कहाँ पे वो पैसा खर्च कर रहे हैं और कहाँ पर ये सारी जो सुविधाएं हैं ये पहुंच रही हैं। अनफॉर्चुनेटली जैसा कि मैंने कहा, ये नहीं हो रहा, कहीं पर भी हमने बहुत ढूंढा, कहीं पर भी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है कि पैसे किधर खर्च किए जा रहे हैं। एक मोटा माटी जरूर बात रखी गई है कि 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर्स पे खर्च किए जाएंगे पीएम केयर्स फंड में से, जिसमें से कि 50,000 वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे। अब अगर हम देखें सूचना के अधिकार कानून में जो रिकॉर्ड निकले हैं, उसमें पीएमओ से जो एडवाइजर है प्रधानमंत्री के, वो हेल्थ मिनिस्ट्री को एक चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि आप लोग जो वेंटिलेटर्स खरीद रहे हैं हम उनको फंड कर देंगे, आप हमें प्रपोजल भेज दीजिए, उस पे जरूर आप ये लिखवाइए स्पष्ट रूप से कि पीएम केयर्स के थ्रू दिए गए हैं, और एक GPS ट्रैकर लगवाइए। अब जो रिकॉर्ड्स आए हैं, चिट्ठी आई है, जिसके अंदर जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं
उन्होंने बताया है पीएमओ में जो स्थित एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर के, कि एक लिस्ट दी है उन्होंने कि उन्होंने किस किस से 58,000 से ज्यादा वेंटिलेटर्स परचेज ऑर्डर दिए हैं, और उसके अंदर उन्होंने ये भी बताया कि हमने कुछ कंपनियों को एडवांस भी दिया है। अब ये जो कंपनियां हैं उसका एक टेबल दिया गया है जिसमें लिखा है कि 6 कंपनियों को ऑर्डर दिए गए हैं 58,000 वेंटिलेटर्स के लिए परचेज ऑर्डर्स, और उसमें से कंपनियों 2 कंपनियों को एडवांस भी दिया गया है 22 करोड़ रुपए का। लेकिन बाद में जो एक और आरटीआई के जवाब में हमें सूचना मिली है उसमें ये लिखा गया है कि जो टेक्निकल कमिटी डीजीएचएस ने बनाई उसने बहुत सारे वेंटिलेटर्स का जो परचेज ऑर्डर जिसके लिए दिया गया था उन कंपनियों को उन्होंने ठीक पाया ही नहीं। उन्होंने कहा कि जो ट्रायल हुए, जो कि इवैल्यूएशन हुई, वो 20 जुलाई को हमें सूचना दी है, उन्होंने डेट दी है, तब तक उन्होंने वो पास ही नहीं किए ट्रायल, इसलिए 18,000 से कम अभी तक वेंटिलेटर जो हैं वो ही पहुंच पाए हैं, वो ही खरीद पाए हैं पीएम केयर्स के तहत। तो 50,000 वेंटिलेटर की बात थी, और हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक प्रपोजल भी भेजा था कि सारे परचेज ऑर्डर दे दिए गए हैं, लेकिन अभी तक केवल 18,000 ही वेंटिलेटर, उससे भी कम वेंटिलेटर जो है वो ट्रायल्स जो है क्लियर कर पाए हैं। इसका मतलब उस अभी तक केवल 18,000 को ही खरीद पाए हैं पीएम केयर्स के तहत। और दूसरी बात यह है कि ये जो ज्योति ऑटोमेशन है और जो दूसरी कंपनी है, मैं रोकना चाहता हूँ यहाँ पे। ज्योति ऑटोमेशन ये बहुत ही एक विवादित एक विषय है, और आपका जो सूचना का अधिकार का कानून के माध्यम से आपका जो सूचना मिला वो लिखा है ज्योति ऑटोमेशन CNV, मगर हम जो अखबार में और बहुत सारे रिपोर्ट्स आए हैं जैसे अहमदाबाद मिरर और गुजराती अलग अलग वेबसाइट में, ये कंपनी का नाम था ज्योति ऑटोमेशन CNC। तो ये कंपनी ने एक गैजेट, इन्होंने बोलते हैं धमन 1। तो लोग कहते हैं ये सचमुच वेंटिलेटर नहीं है, यार अगर वेंटिलेटर भी है बहुत ही लो ग्रेड, एकदम निम्न स्तर का एक है। लोग कहते हैं ये एम्बू है, एम्बू बैग, यानी कि आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट है। और विवाद क्यों हुआ, क्योंकि विजय रूपानी जी का जो सरकार कहा कि ये देखिए ये मेक इन इंडिया कितने जल्दी इन्होंने बनाया, एक यूरो लाख कुछ लाखों रुपया में 10-12 दिन में इन्होंने तैयार किया। और फिर बाद में ये भी सूचना आया कि जो कंपनी एक समय CNC, ये ज्योति ऑटोमेशन CNC में कुछ निवेश किया था साल पहले, बहुत साल पहले, वो जो परिवार है, विरानी परिवार है, वो मोदी जी को एक उपहार मिला था, वो जो कोट उन्होंने बराक ओबामा से मिले थे। तो ये सारे बहुत एक विवादित विषय हो गया कि ये सचमुच सरकार क्यों ये ज्योति ऑटोमेशन को मदद किया। मगर पहला सवाल है कि ये एक कंपनी है या और कोई कंपनी है, ज्योति ऑटोमेशन CNC या ज्योति ऑटोमेशन CNV है, कि आपके पास जो सूचना आए उसमें शायद कोई टाइपोग्राफिकल एरर है कि नहीं। देखिए, जो हमारे पास सूचना आई है मैं तो उसी की बात कर सकती हूँ। सूचना के अधिकार कानून में जो पेपर दिए गए हैं उसमें लिखा है ज्योति CNV ऑटोमेशन, और ये जो ऑटोमेशन ये वाली जो कंपनी है इसको एडवांस भी दिया गया था, एडवांस पेमेंट दी गई थी, 5,000 यूनिट्स, 5,000 वेंटिलेटर इनको परचेस ऑर्डर दिया गया था। और ये समझ में आ रही है बात कि 20 जुलाई तक भी जो DGHS ने टेक्निकल कमिटी बनाई उसने इनके वेंटिलेटर्स को क्लियर नहीं किया। इसका मतलब कि जो रिक्वायरमेंट थी वेंटिलेटर की ये क्लियर नहीं कर पाए। तो सवाल तो स्पष्ट रूप से उठ रहा है कि ऐसी कंपनी को ऑर्डर दिया गया, एडवांस पेमेंट भी दी गई,
जो कंपनी ऐसा वेंटिलेटर बना रही है जो कि टेक्निकल ट्रायल जो है, इवैल्यूएशन जो है, उसे क्लियर नहीं कर पा रही है। अब जो विवादित कंपनी ज्योति सीएनसी है, जिसके बारे में बहुत जगह पर लिखा भी गया है और ये हम जानते भी हैं कि इसके ऊपर तो बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि उन्हें 5,000 वेंटिलेटर यूनिट दिए गए थे, शायद पीएम केयर से ही दिए गए थे, वो रिपोर्ट्स हैं और उसमें ये स्पष्ट है कि किस तरीके से गुजरात के जो अस्पताल में यूज कर रहे हैं डॉक्टर्स, उन्होंने कहा कि ये वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं, ये वेंटिलेटर्स का काम नहीं कर रहे हैं। अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल का डॉक्टर ने ऐसा कहा। जी, तो अब ये ज्योति सीएनवी ऑटोमेशन जो कि लिखा गया है हमारी आरटीआई के रिस्पांस में, इसे हमने जब सर्च भी किया है गूगल पर तो इस नाम की कोई कंपनी नहीं है ज्योति सीएनवी, कोई उसका वेबसाइट नहीं आ रही, इस नाम से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, आता है ज्योति सीएनसी के ही नाम से। इसीलिए जो आपने कहा वो एक बात है कि शायद ये टाइपोग्राफिकल एरर है रिकॉर्ड्स के अंदर, सरकारी रिकॉर्ड्स के अंदर जो हमें दिए गए हैं, पर ये बात स्पष्ट है कि जो ज्योति सीएनवी ऑटोमेशन है, इन्हें पहले 5,000 वेंटिलेटर्स का, यूनिट्स का परचेज ऑर्डर दिया गया, एडवांस पेमेंट की गई और टेक्निकल कमिटी ने इन्हें ठीक नहीं समझा अभी तक और ये इनसे अभी तक वेंटिलेटर नहीं लिए गए जब तक हमें सूचना दी गई आरटीआई एप्लीकेशन के तहत। तो ये विवादित बात तो हो ही जाती है। धन्यवाद अंजलि जी, आपने विस्तार से न्यूज क्लिक का दर्शक को बताया क्यों न जरूरत है कि ये पीएम केयर्स फंड में पारदर्शिता लाना। आपने ये भी बताया किस तरह से ये पैसा खर्च हो रहा है, ये हमें पूरा सूचना हमारे पास नहीं है। आपने ये भी हमें समझाया कि किस तरीका से ये कॉरपोरेटों का जो सामाजिक जिम्मेदारी के लिए जो पैसा खर्च कर रहे, किस तरह से आपने एक फंड स्थापन करना किया, पहले एक आपने एक नोटिफिकेशन दिया, फिर 2 महीना के बाद आपने रिट्रोस्पेक्टिवली संशोधन किया, पूर्वव्यापी आपने संशोधन किया कानून को, और क्यों कुछ कंपनियां जिसको पीएम केयर्स फंड से ये पैसा मिल रहे हैं क्यों इतने विवादित है। अत्यंत धन्यवाद। और आप सुन रहे थे अंजलि भारद्वाज जी से, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो बहुत सारे विषय के ऊपर कार्य करता है जो हमारे सरकार में पारदर्शिता लाना और सूचना का अधिकार के बारे में। धन्यवाद। और आप लोग देखते रहिए न्यूज के।